दोस्तों आज आपको दिखाते हैं जिन्नात की दुनिया का राज। हम बात करने वाले हैं जिन्नात की कहानी की। जिन्नात की दुनिया का राज क्या है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि कैसे जिन्नात की दुनिया चलती है, जिन्नात कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इंसानों की साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो जिन्नात उसे सताते हैं, जिसके सबब इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं, जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन तक को चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इतला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस तरह हमेशा किसी घर में अगर अंधेरा रहे तो जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा बना लेते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहाँ चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहाँ से निकालने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं। जिन्नात सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दूसरे सयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन पर बसने से पहले दूसरे सयारों पर आबाद रहकर काफी तरक्की कर चुके हैं। साइंस ने भी हमें बहुत ज्यादा आगे की बातें पता चलती हैं। उड़न तश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी जमीन पर मालूमाती काम से आते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने हिदायत दी है कि कभी घरों की छतों पर अकेले न सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को जमीन से उठाकर अपने सयारों पर ले जाते हैं, उनसे जमीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक हैं, अपना भेद नहीं बताते, बहुत ताकतवर हैं, उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है, वो उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अकल और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता की है, इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होंगे, हमें इतनी ताकतों के मालिक बना देंगे कि जिन्नात ही नहीं शैतान और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएगी, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, अक्सर हमारी इबादत गाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्तों में ऐसे न सोया करें कि दूसरे मखलूक के आने जाने में रुकावट बने, वरना वो गुस्सा होकर तकलीफ पहुंचाते हैं। बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ देने की इजाज़त अल्लाह ने उन्हें नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेस बदल सकते हैं, वो जिस तरह चाहें अपने आप को बदल लें और बहुत ही आसानी के साथ हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं। दुनिया की हर जबान समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं। मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात तो क्या कायनात के हर मखलूक पर फतह हासिल करने की कुव्वत और ताकत दी है। जिन्नात को भी इंसान का फरमान बरदार बना देते हैं। शर्त यह है कि अल्लाह की रजा हासिल कर लें। जो अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है अल्लाह उन्हें सारी ताकतें अता कर देता है। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के वली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी
रोज इंसान अपने आप को आमिल कहकर जिन्नात कहते हैं, भारी भारी रकम तलब करते हैं। वो खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने के अमलियात के माहिर बताते हैं, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात है उनके मुताबिक अगर कोई इंसान जिन्न को काबू में कर ले तो वो आम इंसानों से कुछ क्या मांगेगा, बल्कि वो जिन्न से मांगेगा। जिन्न उन्हें वो सब कुछ लाकर देता है जिन्हें उसकी जरूरत है, उनको हमसे पैसे लेने की क्या जरूरत। हमने जिन्नात को अपने काबू में लेने के बारे में भी सुना है। इसके लिए कुरान पाक में कुछ मखलूक आयात के विर्द करने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास शर्तें और परहेज भी है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। वो जिन्नात को अपने काबू में कर सके जो कोई उसे अपना ताबेदार बना ले, तभी उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिन्नात हर वक्त हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है जब कोई काम आमिल करने के लिए हुक्म देता है। वो लम्हा भर में इधर से उधर होकर अपना काम कर देता है और फिर हाजिर हो जाता है हुक्म करो आका कहते हुए। आमिल को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसानों की तरह बेकार नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ उठाकर पटकते रहेगा। और बुजुर्गों ने जिन्नात के हाथों रातों रात मस्जिद तामीर करवाई है। ये ऐसी मखलूक है जिनका मिजाज हमसे अलग है। वो हमसे अलग ही रहे तो बेहतर होगा। अगर हम इंसान चाहें तो जिन्नात भी हमसे खौफ खाएंगे। शर्त ये है कि इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो और किसी चीज का लालच ना हो। अगर लालच हुआ तो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने की लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी जिन्नात की कहानी और जिन्नात की दुनिया का राज आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे वीडियोस को देखें और लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आप जिन्नातों के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।